हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि कुमार रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक पुलिस अगर चाबी छीन ले आपकी गाड़ी का तो आप उसको कैसे सबक सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रायः हम लोगों को लाइफ में अवश्य ही ट्रैफिक पुलिस से सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, कभी आप जा रहे होते हैं और आपके सामने में अचानक ट्रैफिक पुलिस हाथ देकर रुकवाने लगा तो आप अंदर ही अंदर भयभीत हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कानूनी अधिकार की जानकारी आपके पास है तो आप ट्रैफिक पुलिस या किसी से भी फाइट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी आदमी या कोई भी शासन जो करप्ट प्रकार का है वो हावी हो सकता है। तो फ्रेंड, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में जानकारी रखनी चाहिए, पूरा नहीं तो बेसिक भी जानकारी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रायः आपको देखने को मिला होगा या आपके साथ कभी घटा होगा कि कहीं आप बाइक से कार से जा रहे होते हैं और ट्रैफिक पुलिस बीच में सड़क पर गाड़ी रुकवाता है और आपका चाबी निकाल लेता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है मोटर व्हीकल एक्ट में ये गैर कानूनी है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस जो है आपकी गाड़ी का चाबी निकाल ले। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई ट्रैफिक सिपाही आपकी गाड़ी का चाबी निकाल लेता है तो उसका शिकायत हम कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अगर आपके साथ कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो आप उसको सबूत के तौर पर एक वीडियो बना लीजिए। वीडियो बनाने के बाद अपने नज़दीकी थाना में जाकर उस पुलिस या उस ट्रैफिक सिपाही के विरोध आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि चेकिंग के नाम पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस या कोई भी मोटर व्हीकल एक्ट के बड़े से बड़े अधिकारी आपके साथ बदतमीजी, मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं भी नहीं लिखित रूप से है कि सिपाही आपकी गाड़ी की चाबी ले ले और आपके साथ बदतमीजी करे। उसका मात्र एक ही अधिकार है कि अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी का पेपर आरसी बुक नहीं है, अगर किसी तरह का डिफॉल्टर है तो वो आपका केवल चालान काट सकता है, उसके सिवा आपको वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो आप ट्रैफिक के वरिष्ठ पदाधिकारियों के पास जाकर उसकी शिकायत करें, अवश्य ही उस पर कार्रवाई होगी, वो सस्पेंड तक हो जाएगा, उसको जुर्माना तक भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भूलिए, ताकि जो भी मैं इस प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।